मुरादाबाद की काठ विधानसभा से भाजपा विधायक ने आज बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब किसान को आंदोलन जाट कह दिया जाए तो कोई नुकसान नहीं है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है क्योंकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाट ज़्यादा संख्या में है और वो सभी खेती से जुड़े हैं, इसलिए दिल्ली पर वही लोग बैठे हुए हैं, उन्हें तो बरगलाया गया है। वो तो ये भी नहीं जानते कि कृषि कानून में उनके खिलाफ है क्या। दरअसल भाजपा विधायक राजेश चुन्नू किसान आंदोलन के बदले पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे हैं। वही कल कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा कोची में भारत रत्न से सम्मानित सचिन तेंदुलकर के पोस्टर पर पोती गई कालिक पर सख्त लहजे में बोले कि एक ऐसी शख्सियत के खिलाफ की गई ऐसी करतूत पर कांग्रेस की निंदा होनी चाहिए और सरकार से मांग करते हैं कि इस तरह का कृत्य करने वाले कांग्रेसियों के खिलाफ कार्यवाही भी होनी चाहिए। और जहां तक किसान आंदोलन की बात है तो इसे पूरी तरह से राजनीति रूप दे दिया गया है क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और ये पंजाब से शुरू हुआ था। हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों को बरगलाया गया है इसलिए वो आंदोलन में लगे हुए हैं, उन्हें तो अभी तक कुछ पता ही नहीं है। ये किसान आंदोलन जो है ये बिल्कुल इसे राजनीतिक रूप दे दिया गया और क्योंकि विपक्ष के पास इस समय कोई मुद्दा नहीं है इसलिए कांग्रेस से पंजाब से ये आंदोलन शुरू हुआ। हमारे जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं इन्हें तो केवल बरगलाया गया है, इनको जानकारी नहीं इस बारे में कि किसान आंदोलन जो हम कर रहे हैं वो किसके लिए, किस बात के लिए कर रहे हैं। अभी कोई भी व्यक्ति उसमें क्या कमियां हैं या कैसे वो काला कानून है इस बात को साबित नहीं कर पाया अभी तक, इसलिए उन्हें कोई पता नहीं। उसने केवल इतना है कि उन लोगों ने उनको आगे बरगला दिया हमारे उत्तर प्रदेश किसानों को, इसलिए वो आंदोलन में लगे हुए। विधायक जी, क्या ये जो किसान आंदोलन है अब जाट आंदोलन में बदल गया है क्योंकि खाप पंचायती ही फैसले ले रही है सब इससे किसान आंदोलन जाट? किसान आंदोलन तो वैसे भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर देखिए जाट बाहुल्य क्षेत्र है, चारों तरफ यूपी के जाट बाहुल्य क्षेत्र है और क्योंकि गन्ने की खेती जाट ही करते हैं ज़्यादातर, तो इसको जाट भी कह दिया जाए तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन इस समय क्योंकि ये तो आंदोलन तो किसान का ही है, पहले से ही किसान यूनियन को जाटों का रूप दिया जाता, लेकिन वो अब क्योंकि जाट ज़्यादा हैं इसमें और राकेश टिकैत हमारे यहाँ इस बिरादरी से हैं, उसके मुखिया हैं और दिल्ली के चारों तरफ जो जाट है वो सारा वहाँ इकट्ठा है, तो इसको जाट आंदोलन कहने में भी कोई बुराई नहीं। आज जो चक्का जाम लगना था उसके बाद जो राकेश टिकैत जी ने फैसला लिया, किस नजरिए से देखा? जो चक्का जाम था ये गलत निर्णय है उनका, सरकार ने उन्हें एक ऑफर दिया था कि हम 1.5 साल के लिए इस कानून को रोक देते हैं, 1.5 साल के बाद इसको लागू करेंगे, आप इस पर विचार कर ले जाएगा, तो मेरी समझ में ये राय सही थी और किसानों को ये राय मान लेनी चाहिए थी और इसको स्थगित कर देना चाहिए था। अब तो ये आंदोलन बिल्कुल गलत है, इसका कोई निर्णय तो लेना ही पड़ेगा, सरकार ऐसे बिना सोचे समझे कैसे कानून वापस ले लेगी। जब तक कोई विचार ना हो इस कानून पर तब तक सरकार इस कानून को वापस कैसे ले लेगी, और सरकार इसमें किसानों को ऑप्शन दे रही है कि 1.5 साल के लिए हम ये कानून लागू करने के लिए रोक देते हैं, इस पर विचार कर लिया जाएगा, इसकी एक कमेटी बना दी जाएगी और कमेटी के निर्णयानुसार इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। तो किसानों को ये बात तो मैं समझता हूँ कि उनके हित की है और मान लेनी चाहिए। मैं भी किसान हूँ, मेरे घर में भी गन्ना होता है, मेरे घर में भी खेती होती है, लेकिन जो जायज़ सरकार जो बात जायज़ कह रही है कि भाई इसको 1.5 साल के लिए रोक लेते हैं, इस पर और विचार कर लेते हैं, तो ये बात मैं समझता हूँ कि मेरी समस्या तो किसानों को मान लेनी चाहिए। कल कांग्रेस ने कोची में भारत रत्न सम्मानित जो सचिन तेंदुलकर जी हैं उनके पोस्टर पर काला पोती है। सचिन जी ने सरकार के पक्ष में एक वो दिया है, उन्होंने सरकार के पक्ष में बयान दिया है, तो उन्होंने कौन सा गलत काम किया? सरकार बिल्कुल ठीक कह रही है कि हम 1.5 साल के सरकार के फेवर में उन्होंने कहा है, और जो दूसरी विपक्षी पार्टियां कांग्रेस दल हैं बाकी दल हैं जो विपक्षी हैं उन लोगों को मुद्दा नहीं है, वो इसे तोल देना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि आंदोलन ये बंद ही ना हो, चलता रहे और किसान की आड़ में वो शिकार खेलते रहे, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तेंदुलकर जी के साथ अगर उन्होंने ऐसा किया तो ये दुर्व्यवहार है, ये बहुत गलत है, इसकी निंदा होनी चाहिए और इनके खिलाफ़ कार्रवाई भी होनी चाहिए।